नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशाल बारोट और आप देख रहे हैं एमटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। तो मैंने लास्ट टाइम एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप सबको पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। तो ये चार लोगों ने कमेंट कर ये बताया कि आप अगली वीडियो क्रिकेट में कप्तानी कैसे करें उस पर बनाए। तो ये वीडियो उन चारों लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो ये जानना चाहते हैं कि क्रिकेट पे कप्तानी कैसे करें। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रहे लाल बटन को क्लिक करके जैसे बेल आइकन आ जाता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जब क्रिकेट में कप्तानी की बात हो और महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी को हम कप्तान कूल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम महेंद्र सिंह धोनी से ही सीखेंगे कि क्रिकेट में कप्तानी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां एज कप्तान जीती है। हम आपको बता दें 2007 में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में ओडीआई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व वाली टीम से ही जीता था। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी कप्तान के लिए क्योंकि आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां अपने नाम करना। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, मैंने इस वीडियो को टोटल चार पार्ट में डिवाइड किया है कि आपको कैसे क्या और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैच के पहले आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, टॉस के समय और मैदान में जब बैटिंग या बॉलिंग करते उसके पहले क्या करना चाहिए एज ए कप्तान, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, आप फील्डिंग कर रहे हो तब क्या करना, और आप अगर बल्लेबाजी करने हो तब अपने बल्लेबाजों को किस हिसाब से यूज करना। तो ये चार भाग में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है तो चारों पार्ट में आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की जो कि है मैच से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बात करें अगर मैच से पहले, तो आप एज ए कप्तान हो तो आपको टीम के सभी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए क्योंकि आपको आखिर में प्लेइंग 11 डिसाइड करना होता है। तो आपको हर एक प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होनी चाहिए, मैच किस मैदान पे खेला जा रहा है उस हिसाब से आप अपनी सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 उतारें ताकि आप अपने मैच में अपनी टीम के लिए अपना टीम को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जीता पाए। तो दूसरा है टॉस के समय कप्तान को क्या करना चाहिए। तो हम आपको बता दें सबसे पहले तो टॉस जो होता है वो काफी क्रूशियल होता है क्योंकि टॉस के समय अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आप आधा मैच वहीं से जीत लेते हैं क्योंकि आपके पास ये मौका होता है कि आप डिसाइड करें कि आप पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, पहले बैटिंग करना चाहेंगे। आप पिच की कंडीशन देख सकते हैं, आप वेदर का देख सकते हैं, आपको पता होगा कि ड्यू होने वाली है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप पहले जो आपका स्ट्रेंथ होगा उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पहले बैटिंग लेंगे या बॉलिंग। तो सबसे पहले बात करें अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आपका माइंडसेट यह रहना चाहिए कि जो पावर प्ले होता है उसकी पहली ओवर यानी कि मैच का पहला ओवर काफी ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि पहले ओवर में जब आप बल्ले बॉलिंग कराएंगे तो सबसे अपना जो सबसे बेहतरीन और विकेट टेकिंग जो बॉलर होगा उससे भी बॉलिंग कराए ताकि अगर वो पहली ओवर में अगर एक या दो विकेट चटका लेता है तो आप वहीं से मैच में पकड़ बना लेते हैं और मैच को वहीं से एक तरफा कर सकते हैं। अब बात करें मिडल ओवर्स की, तो मिडल ओवर्स में हमने देखा है कि ज्यादातर कप्तान फील्ड को खोल देते हैं और सामने वाली टीम आसानी से एक और दो रन चुरा लेती है और उन पर प्रेशर नहीं बनता है। तो जो मिडल ओवर है उसमें जो कप्तान होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसमें कम से कम रन दे, डॉट बॉल की प्रतिशत बढ़ाए ताकि जब डॉट बॉल की प्रतिशत बढ़ेगी तब सामने वाली टीम पर प्रेशर बनेगा और वो लोग शॉट खेलने जाएंगे और तभी वो अपना विकेट गंवा सकते हैं। तो ऐसे अटैकिंग माइंडसेट से ही आपको अपने बॉलर को सेट करना है, आपके बॉलर को यूज करना है क्योंकि सामने वाली टीम को कम से कम जब आप रन देंगे तभी वो रिस्क लेंगे और तभी आपको विकेट मिलेगा। अब बात करें आखिर ओवर में,
तो आखिरी ओवर में जो भी सामने वाली टीम के बल्लेबाज होता है उनकी फितरत यही होती है कि आखिर की कुछ ओवर के हर एक बॉल को बाउंड्री रेखा के पार चौके या छक्के के लिए डाल दे। तो इस समय आपको यह दिमाग में रखना है कि आपको अपने बॉलर का कैसे यूज करना है, क्योंकि जब आप शुरुआत में अपने सबसे बेहतरीन बॉलर का यूज करेंगे तो आखिर में भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। इसलिए आपको आखिर तक अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को कैसे बचाए रखना है, कैसे आप बॉलर को यूज करते हैं और आखिर तक अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को कैसे बचाए रखते हैं, वो भी एक कप्तान की जिम्मेदारी रहती है कि वो कैसे अपने बॉलर को आखिरी तक बचाए रखता है। जब आपका बेहतरीन बॉलर डेथ ओवर्स कर रहा होगा तब सामने वाली टीम के प्लेयर्स रन नहीं बना पाएंगे और वो लोग भी प्रेशर में आएंगे और आखिर में वो टीम को मोमेंट नहीं दिला पाएंगे और इसी वजह से जो स्कोर है वो थोड़ा कम बना पाएंगे। तो यह एक बेनिफिट रहता है अगर आप आखिरी तक अपने बॉलर को बचा के रखते हैं। अब बात करते हैं फील्डिंग की, तो फील्डिंग भी एक अहम कड़ी है जिसको कप्तान को सेट करना होता है। तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि कौन सा फील्डर का जो शोल्डर है वो काफी स्ट्रांग है, कौन से फील्डर को कहां मैं यूज करूंगा तो टीम के लिए बेनिफिट होगा। तो यह भी एक देखने वाली बात है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आपका जो सबसे बेहतरीन फील्डर है उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पे सबसे ज्यादा गेंदें आती हो, ताकि वो रन आउट या फिर रन भी बचा के अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन आउटपुट दे पाए। अब बात करें बल्लेबाजी की, तो जब आपकी टीम बल्लेबाजी कर रहे हो एज अ कप्तान आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी पोजीशन पे खेलेंगे। कभी कभी हमने देखा है कि धोनी रेगुलर ऐसे 5 और 6 नंबर पर आते हैं, पर बहुत सारी मैचों में वो नंबर 3 और नंबर 4 पर भी आके मैच का रुख वहीं से बदल देते हैं। तो वैसे आप एज अ कप्तान आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो। तो उसके पहले बात करें अगर ओपनर की, और अगर आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो तो आपको एज अ कप्तान अपने ओपनरों को बताना होगा कि अपने इतना स्कोर खड़ा करना है। तो आप अटैकिंग बॉल अटैकिंग माइंडसेट से ही बैटिंग करिए, क्योंकि जब आप बैटिंग करेंगे तब सामने भी बेहतरीन बॉलर होगा। तो आपको उस टीम का एक कमजोर बॉलर ढूंढना है जो उस टीम की कमजोर कड़ी हो, तो आप उस पर जब रन बनाएंगे तब उस टीम का बेहतरीन जो बॉलर होगा उसकी भी लाइन और लेंथ बिगड़ सकती है और आप उसकी लूज बॉल पे स्वर्ण खेल के उसके पर भी प्रेशर बना सकते हैं। तो इस हिसाब से जब आपको ओपनिंग साझेदारी अच्छी मिलेगी, आपको टीम की अच्छी शुरुआत मिलेगी, तो आखिर में जब आप मिडल ऑर्डर में होंगे तब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज को भी कोई प्रेशर नहीं आएगा और आखिर में हमेशा आपके पास एक या दो ऐसे धाकड़ बल्लेबाज होने चाहिए जो तूफानी बल्लेबाजी करने में माहिर हो, ताकि अगर आप कहीं पे मैच फंसा हो जहां पे आपको 10 बॉल में 30 रन, तो वहां से वो जो तूफानी बल्लेबाज हो वो आसानी से वहां से मैच का रुख अपनी तरफ बदल सके और वहीं से मैच को जीता भी पाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में कमेंट करके यह भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।